अस्सलामुअलैकुम। सो गाइज़, क्रॉस के लिए हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, तो ये वीडियो उससे कुछ डिफरेंट होने वाली है। इसमें आपको अलग से कुछ न्यू मेथड बताएंगे जिनको यूज़ करके आप अपने मुर्गे को हीट पे ला सकते हो या फिर क्रॉस के लिए रेडी कर सकते हो। तो ये कौन सी टिप्स हैं, ये कौन सी बातें हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सो हाई गाइज, दिस इज़ वसीम, सो लेट्स गो टू वसीम अभी लेटेस्ट वीडियो। सो गाइज, सबसे पहली बात, अगर आपका मुर्गा क्रॉस नहीं कर रहा तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपके बर्ड्स का वज़न जो है बराबर नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, आपके मुर्गे का वज़न ज़्यादा है, वो साइज़ में बड़ा है, तो मुर्गी का वज़न भी कम है और साइज़ में भी कम है, तो उसके पंजों के नीचे नहीं आएगी, वो पंजों से निकल जाएगी, इस वजह से वो मुर्गा क्रॉस नहीं कर पा रहा होता। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि आपके बर्ड्स का साइज़ सेम हो और उनका वज़न भी सेम होना चाहिए। सेम से मुराद थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंट नहीं चलता, तो ऐसे में भी मुर्गी और मुर्गा क्रॉस नहीं कर पाते। तो सेकंड में वजह ये होती है कि आपके बर्ड्स असल में क्रॉस कर भी रहे होते हैं और वो अंडे भी दे रहे होते हैं और आपको पता नहीं चलता कि भाई अंडे वो दे कहाँ पर रहे होते हैं, लेकिन वो आपके बर्ड्स क्रॉस कर रहे होते हैं। इसको जानने के लिए कि आपको पता कैसे चले कि वो क्रॉस करते हैं या फिर नहीं करते, तो असल में होता क्या है ना कि आप सारा दिन काम पर होते हैं या फिर कहीं पर घर से दूर होते हैं, बर्ड्स से दूर होते हैं, तो इस वजह से आपको पता नहीं चलता। तो आपने करना यह है कि आपको कैसे पता चले, उसके लिए आपने मुर्गे को केज में अलग से बंद कर देना है। तो मुर्गी को उसके सामने वाले केज में ही बंद कर दें, केज में बंद कर दें या फिर किसी भी तरह उसके सामने रहे मुर्गी, मुर्गे को आपने बंद कर देना है एक अलग केज के अंदर। तो जब वो अकेला केज में रहेगा तो उसको दो दिन आपने अलग ही रखना है। जब आप उसको दो दिन अलग रखेंगे तो आप जब केज को खोलेंगे और मुर्गी उसके सामने होगी तो वो फौरन से आपके सामने क्रॉस करेगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई ये क्रॉस कर रहा है, और आपकी मुर्गी जहाँ पर भी अंडे दे रही है उस पर गौर करें और उसको अपने घर में ही रखें या फिर केज के अंदर ही रखें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो अंडे कहाँ पर दे रही है और या फिर अंडे दे भी रही है या फिर नहीं दे रही है। तो उसके बाद थर्ड नंबर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो नर है उसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो जो मादी है उसकी एज कम है, तो साइज़ में भले ही बराबर हो, वो क्रॉस कर भी लेते हैं, तो उसके जो नर है ना उसके एज ज़्यादा होती है, उसकी वजह से उसके जो स्पर्म होते हैं ना उसमें इतनी ताकत नहीं होती, वो कमज़ोर होते हैं, तो जिसकी वजह से आपके जो एग हैं वो फर्टाइल नहीं निकलते, अनफर्टाइल निकल जाते हैं, कि आपके अंडे वो ज़ाया होंगे इस वजह से कि वो अनफर्टाइल होंगे। तो आपके वो खाने के लायक तो हो सकते हैं, लेकिन आप उनसे अगर चाहें कि उनसे चूज़े निकलवाना, तो वो आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद मेडिकल इलाज आ जाता है, मेडिकल इलाज हम आपको वीडियो के एंड पे बताएंगे कि मेडिकल इलाज आपने किस तरह से करना है। तो उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि आपने अपने मुर्गे के पाँव में देख लेना है कि वहाँ पर चंडी तो नहीं है, अगर चंडी है तो उसका इलाज आपने कर लेना है। उसका इलाज किस तरह से करना है उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है, जिसमें आपको बताया है कि आप जो सब्ज़ डब्बी होती है, छोटी सी डब्बी होती है सब्ज़ कलर की, तो उसमें आपको वो ब्रोज़ा नॉर्मली मिल जाता है किसी भी पंसार स्टोर से, तो वो ब्रोज़ा उस पर बांधें 24 घंटों के बाद, फिर एक बार न्यू तरीके से बांधें, तो इंशाल्लाह वो चंडी जो है ना एक हफ्ते के अंदर अंदर ही वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप उसकी चंडी भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर इस पर डिटेल वीडियो देखना चाहें तो आई बटन पे आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद फिफ्थ नंबर पर हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने वो हमने जो पहले आपको बताया है कि मुर्गे को अलग केज में बंद रखना है, बंद रखने के बाद भी वो वापस जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो क्रॉस नहीं करता, तो उसके लिए आप ये करेंगे कि आप अपनी मुर्गी को पकड़ के रखेंगे, मुर्गी को पकड़ के रखेंगे तो मुर्गा आपका अचानक से क्रॉस आके कर लेगा। अक्सर में ऐसे होता है ना कि मुर्गी क्रॉस करवाती भी नहीं है अक्सर, तो इस वजह से भी हो जाता है। तो एंड पे हम आपको बताएंगे कि आप अपने बर्ड्स का मेडिकल इलाज किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मुर्गे को हीट पे लाने के लिए, उस सेट करने के लिए, सब कुछ उसका सेट करने के लिए दो इंजेक्शन जो है वो आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो दो इंजेक्शन कौन से हो सकते हैं? पहला इंजेक्शन है, आपने सुना होगा पहले भी किसी वीडियो में, न्यूरोबियन। न्यूरोबियन इंजेक्शन को आप लाएँ और उसके साथ ही आप एक टेस्टोविरान का इंजेक्शन लेके आएँ। टेस्टोविरान इंजेक्शन और न्यूरोबियन इंजेक्शन दोनों को मिक्स करके, एक ही सिरिंज के अंदर मिक्स करके उसके गोश्त वाले हिस्से पे लगाना है, तो जहाँ पे उसका गोश्त होता है, तो ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता स्लो से आपने लगाना है। ऐसे नहीं करना कि बहुत स्पीड से आपने उसको वो इंजेक्शन जो है इंसर्ट कर दिया, तो ऐसे में मसला हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर इंजेक्शन होते हैं, तो आप इसको आराम से ही इंसर्ट करें तो मुर्गे को तकलीफ़ नहीं होगी और आपका बर्ड जो है इंशाल्लाह क्रॉस करना लग जाएगा। तो अच्छा, उसके बाद जो भाई लोग बाद में सवाल करते हैं कि भाई ये कितने दिन लगाना है, तो उसके लिए आपको बताता जाऊँ कि एक हफ्ते में ये एक बार दो इंजेक्शन लगाने हैं, तो 3 हफ्ते में आप 3 इंजेक्शन लगाएंगे,
मतलब कि 7 और 7 14 और 7 21 दिन, 21 दिन आप ये इंजेक्शन 3 लगा देंगे, ठीक है। 3 से मुराद के 6 इंजेक्शन, 3 टेस्टोविरान और 3 न्यूरोबियान। आप इस तरह से 3 हफ्तों में ही आप अपने जो मुर्गा है उसको क्रॉस पे ला सकते हैं और उसकी जो भी बीमारियां होगी इंशाल्लाह इनसे ख़त्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो क्रॉस नहीं करता था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें। तो अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई लाजमी करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।